नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा की। खबर हटा के साथ बने रहें। आज की दिनभर की विशेष खबरें देखें आप। सवा तीर्थ यात्रा से लौटने पर चंडी जी मंदिर में हुआ स्वागत। मर्यादा किले के पास करंट लगने से बंदर की मौत। झूलती बिजली लाइनों से लगातार हो रही करंट की घटनाएं। चंडी जी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने फूका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला। पुरुष नसबंदी संवाद का हुआ आयोजन। पुरुषों को नसबंदी के फायदे बताए। हनुमान मंदिर के पास मीट मछली विक्रय के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। काम्बिक गश्त के तहत पुलिस ने देर रात की सघन चेकिंग। हटानु विभाग के सभी स्थानों में चेकिंग अभियान। अब खबर विस्तार से। सफर तीर्थ यात्रा से लौटने पर चंडी जी मंदिर में हुआ स्वागत। हटा नगर के तीर्थ यात्रियों का दल 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर वापस लौटा। चंडी जी मंदिर में सभी का आत्मीय स्वागत किया गया। यहां दल रेल मार्ग से तिरुपति बालाजी मदुरे रामेश्वरम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न कर लौटा है, जिसमें सेवानिवृत्त RI गणेश माया देवी पांडे सुनीला राजकुमार सोहानी सुलेखा पन्ना सोहानी सुनील राय राकेश राय टिंकू राय आदि शामिल हुए थे। मुन्ना सोहानी ने रेल के द्वारा तीर्थ यात्रा पैकेज में होने वाली असुविधा बताई और रेल मंत्रालय से अपील की कि बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा में की व्यवस्थाएं अनुभवी अधिकारी को दी जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। से तीर्थ यात्रा करने निकले तो वहाँ से हमने रामेश्वरम मदुरई तिरुपति बालाजी मल्लिकार्जुन के दर्शन के बाद आए यहाँ हटा तो गौरी शंकर और चंडी जी के दर्शन किए। ठीक 13 तारीख को हटा से झांसी बस द्वारा गए, फिर वहाँ से गोरखपुर रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन तीर्थ यात्रा ट्रेन से और सबसे पहले तिरुपति बालाजी पहुँचे, जहाँ भगवान के दर्शन हुए, प्रसाद लिया और रात भी वहाँ विश्राम भी हुआ। उसके बाद दूसरे दिन रामेश्वरम के लिए रवाना हुए। रामेश्वरम में भी बढ़िया समुद्र में स्नान हुए। उसके बाद वो 23 कुंडलियों में स्नान हुए, फिर भगवान के दर्शन भगवान का अभिषेक करवाया और प्रभु का प्रसाद लिया। उसके बाद मदुरई माता मीनाक्षी के दर्शन करने गए। वहाँ पर भी दर्शन बहुत अच्छे ढंग से हुए और वहाँ भी दर्शन प्रसाद लिया, पूजा की। और उसके बाद फिर श्री शैलम मल्लिकार्जुन के लिए हम लोग रवाना हुए। मल्लिकार्जुन में दर्शन हुए, प्रसाद लिया, पूजा हुई और रात्रि विश्राम भी वहीं हुआ। फिर उसके दूसरे दिन वहाँ से वापस फिर आ गए। कौन सी इसके 23 तारीख को रवाना होता है। हाँ, 21 तारीख को वहाँ से रवाना होता। वापसी में फिर आज हम हटा देव गौरी शंकर महाराज के दर्शन किए। उसके बाद में माता चंडी जी के दर्शन किए और सब परिवार के लोग हम लोगों को लेने आए। बड़ा प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मर्यादा किले के पास करंट लगने से बंदर की मौत। झूलती बिजली लाइनों से लगातार हो रही करंट की घटनाएं। बुधवार सुबह मर्यादा किले के पास से निकली 11 kV फीडर बिजली लाइन के करंट की चपेट में आने से बंदर की मौत हो गई। बंदर की मौत की सूचना लोगों ने स्थानीय बिजली विभाग व वन विभाग को भी दी है। मर्यादा बस्ती किला और नाले के पास से निकली झूलती बिजली लाइनें लगातार हादसों की वजह बन रही हैं। लोगों द्वारा मेंटेनेंस और लाइन ऊंचाई बढ़ाने की मांग के बावजूद जिम्मेदार बिजली अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोमवार सुबह यहाँ एक युवक की भी करंट लगने से मौत हुई थी। लगातार करंट की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। मर्यादा से सुधीर मिश्रा की रिपोर्ट।
चंडी जी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने फूका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला हटा। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने नगर के चंडी जी चौराहे पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। जानकारी देते हुए युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गर्वेश राजपूत ने बताया कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने जन्मदिन पर हमारे आराध्य देव श्री हनुमान जी एवं श्री राम मंदिर का चित्र केक पर बनवाकर काटा गया और उसकी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की, जिससे हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। कमलनाथ द्वारा किए गए इस कृत्य के विरोध में आज हम सभी युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका पुतला जलाया है। पुतला दहन में विधायक पीएल तंतवाय, मंडल अध्यक्ष मनीष पल्लिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष गर्वेश राजपूत, महामंत्री हितेश सोनी, संदीप विश्वकर्मा, प्रवेश विश्वकर्मा, विपिन प्यासी, नितिन राजपूत, दिनेश खटीक, रत्नेश खटीक, सौरभ नेमा, भोले सराफ, चंद्रभान पटेल, सुशील सैलट, नारायण तंतवाय, गुड्डू गुप्ता, योगेश खटीक, सुलभ दुबे, सौमिल सिंह हजारी, अर्पित बिट्टू सोनी, वीरेंद्र अहरवार के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। जैसा कि सभी को विदित है, कांग्रेस पार्टी लगातार जन भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रही है, चाहे वो धर्म के लेकर हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति का लेकर हो। अभी उन्होंने अपने जन्मदिन पर जो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, हमारे इष्ट बजरंगबली जी का मूर्ति का अपमान किया है, उनकी अपमान करते हुए भारतीयों की भावना को ठेस पहुंचाया है। हम उनका विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में उनका पुतला दहन किया गया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के साथी और युवा मोर्चा के हमारे मित्र कमलनाथ का पुतला दहन करने आए हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है और भारत देश में ये विधर्मियों को बढ़ावा दे रही है। जैसा कि उनके कमलनाथ का जन्मदिन था और उनने हमारे इष्ट देवता बजरंग सरकार की का केक में चित्र बनाकर उनने केक काटा, ऐसे हिंदुत्व को ये सभी लोग बदनाम कर रहे हैं। ये हिंदू कहलाने के लायक नहीं है और हिंदुत्व धर्म पर जब भी आंच आई है तो भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और हिंदुत्व सेना आगे खड़ी रही है और ऐसे विधर्मियों को हम सभी लोग कुचल देंगे और इनका बार बार पुतला दहन करेंगे। भारत माता की जय। हाल ही में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने जन्मदिन पर केक पर हमारे आराध्य भगवान हनुमान जी एवं हमारे राम मंदिर का चित्र बनाकर काटा एवं सोशल मीडिया पर उसकी फोटो एवं वीडियो को अपलोड किया। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ताओं ने उन विधर्मी कांग्रेसी कमलनाथ का पुतला दहन किया है और उनके लिए चेता रहे हैं कि ये जो बार बार हमारे हिंदू धर्म हमारे आराध्यों को टारगेट करते रहते हैं, यह इस प्रकार के कृत्य करना बंद कर दे, क्योंकि आप जब जब ऐसा काम करेंगे हम आपका पुतला दहन करेंगे और आपका विरोध करेंगे। जय जय श्री राम। पुरुष नसबंदी संवाद का हुआ आयोजन, पुरुषों को नसबंदी के फायदे बताए हटा। परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पुरुष नसबंदी पखवाड़ा कार्यक्रम अंतर्गत पुरुष नसबंदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन नगर के संजयवाड़ आंगनबाड़ी केंद्र में किया गया। पुरुष नसबंदी के प्रति जागरूकता जगाने के उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम के तहत पुरुषों को नसबंदी के फायदे बताए। प्रभारी BMO डॉक्टर RP कोरी ने बताया कि दंपतियों में प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पुरुषों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रजनन स्वास्थ्य के दृष्टिगत पुरुष नसबंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक मामूली शल्य प्रक्रिया है और महिला नसबंदी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। इस अवसर पर नेत्र चिकित्सा सहायक अरविंद नैमा, BE अलका शिवहरी, आशा सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेखा पटेल सहित हितग्राही पुरुषों की उपस्थिति रही। आज आंगनवाड़ी संजयवाड़ हटा में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के अंतर्गत संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें अस्पताल स्टाफ, BE BPM, नेत्र सहायक एवं आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे, जिसमें पुरुष नसबंदी के फायदे बताए गए। जैसे कि पुरुष नसबंदी कराने से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, जबकि महिलाओं के शारीरिक संरचना जटिलता होने के कारण उनको LTD ऑपरेशन में दिक्कत होती है। अतः सभी को बताया गया कि
कि पुरुष नसबंदी सरल सहज है और अधिक से अधिक पुरुष नसबंदी कराएं, इसके फायदे बताएं। ये पुरुष नसबंदी अभी पखवाड़ा चल रहा है, ये एक कहना चाहिए कि मैं एक भाग्यशाली कर्मचारी हूँ जिसने हटा शहर में लगभग 450 पुरुष नसबंदी के केस पूर्व में करवाए हैं और मैंने स्वयं अपना ये ऑपरेशन करवाया हुआ है जिसका फायदा मुझे मालूम था, इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, तो प्रोत्साहन के कारण लोग पुरुष नसबंदी के लिए तैयार होते हैं और मैं अधिक से अधिक लोगों से अपील करता हूँ कि पुरुष नसबंदी करवाएं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा होते हैं। महिलाओं की नसबंदी करवाने से बहुत सारे परेशानियों का सामना घर परिवार को करना पड़ता है, इसलिए पुरुष नसबंदी ही सर्वश्रेष्ठ। हनुमान मंदिर के पास मीट मछली विक्रय के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया हटा। नगर के ककराई नवोदय वार्ड में तालाब के पास स्थित हनुमान मंदिर के आसपास दर्जनों की संख्या में मीट मछली की दुकान स्थापित हैं। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को मीट मछली विक्रय से खासी परेशानी उठानी पड़ती है। दुकानों का कचरा तालाब में फेंका जाता है जिससे तालाब का पानी प्रदूषित होता है। उक्ताशय की शिकायत के साथ एक ज्ञापन SDM अभिषेक सिंह ठाकुर को सौंपा गया तथा मंदिर के पास मांस मछली विक्रय पर रोक लगाते हुए तालाब में कचरा डालने पर रोक लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने संतोष अठिया, संदीप कन्हैया, रोहित, राहुल सोनी, संतोष तंतुवाय, संतोष राजा, जितेंद्र, प्रदीप, अभिलाष आदि अनेक वार्डवासी SDM कार्यालय पहुंचे। हटा में ककराई जो है उसमें तालाब बना हुआ है, वहीं पे हनुमान मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, देवी जी का मंदिर है, उसी की पार पर जो बाउंड्री बनी हुई उस पर अवैधानिक तरीके से दुकानें संचालित हो रही हैं, उसमें मीट मछली की जो हैं दुकानें हैं वो संचालित हो रही, उसमें जो रॉ मटेरियल जो पूरा कचरा निकलता है वो तालाब में डाला जाता है, वो तालाब का पानी जो है दूषित हो रहा है और उसी के मंदिर के बाजू से लगा हुआ है हैडपम्प, तो उससे पानी ऐसा होके जाता है तो भगवान को चढ़ता है, ये हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाना है मेरे हिसाब से, और वहाँ श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ हो रही हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि प्रभाव से अति शीघ्र संपूर्ण दुकानें वहाँ से हटाई जाएं, जो मीट मछली की अवैधानिक तरीके से जो खोली वो हटाए। काम्बिंग गश्त के तहत पुलिस ने देर रात की सघन चेकिंग, हटाने विभाग के सभी थानों में चेकिंग। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मंगलवार देर रात पुलिस ने काम्बिंग गश्त के दौरान सघन चेकिंग की। हटाने विभाग के कैसाबाद में थाना प्रभारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में हटा पन्ना मुख्य मार्ग पर रजपुरा थाना पुलिस ने ASI क्लाइमेंट जॉन के नेतृत्व में फतेहपुर तिराहे पर मरियदो थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने हटा मरियदो मार्ग पर सघन चेकिंग की, जिसमें रात में गुजरने वाले लोगों वाहनों से पूछताछ की गई। अधिकारियों का कहना कि इस तरह काम्बिंग गश्त से कई बार फरार वारंटी, स्थायी वारंटी और अन्य अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, साथ ही अपराधियों में भय का वातावरण बनता है जिससे शांति व्यवस्था कायम रहती है। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें, घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।